प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास स्पेशल चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में हिमाचल, हिमाचल को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा विधिवत कार्यक्रम 2 दिन पहले घोषित कर दिया गया था और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हिमाचल देश को बड़ा लुभाता है, दुनिया को बहुत लुभाता है। छोटा सा प्रदेश है लेकिन बेहद सुंदर प्रदेश है। अपनी दिव्यता के कारण इसे देवभूमि भी कहते हैं। ये देवभूमि को अस्तित्व में आए आज 50 साल से ज्यादा समय हो गया। पिछले 37 साल का इतिहास विधानसभा के संदर्भ में इस राज्य का यह है कि यहाँ पे किसी सरकार ने अपने आप को रिपीट नहीं किया, अर्थात चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, शांता कुमार जैसे दिग्गज हो या वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल, कोई भी अपनी सरकार को लगातार जन समर्थन के साथ बनाए रखने में कामयाब नहीं हुआ। प्रेम कुमार धूमल भी नहीं रहे, शांता कुमार भी नहीं रहे, वीरभद्र सिंह जरूर एक समय से पहले चुनाव के माध्यम से 85 में अपनी सरकार को वापस लाने में कामयाब रहे थे, लेकिन 37 साल के संदर्भ में हिमाचल का इतिहास यही है। वर्तमान में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ बनी हुई सरकार है। 68 विधानसभा वाली सीट में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में 44 सीटें हासिल की थी। जयराम ठाकुर के सम्मुख चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख चुनौती है, नरेंद्र मोदी के सम्मुख चुनौती है, पर उससे भी कहीं ज्यादा हिमाचल के बेटे जगत प्रकाश नड्डा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि भाजपा के इतिहास में जेपी नड्डा पहले शख्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए विधानसभा चुनाव हो रहा है और ऐसे में पार्टी अगर यहाँ नहीं जीत पाएगी तो कमाल ही हो जाएगा। अतीत भाजपा का साथ नहीं दे रहा। साल भर पहले जो उपचुनाव हुए थे उसमें 4-0 का आंकड़ा, 1 सांसदी और 3 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले खेत रही थी, पर अब बदली हुई परिस्थितियों में मोदी के नाम के साथ, जयराम ठाकुर के काम के साथ भाजपा बदलाव के संदर्भ में मिथक को तोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भाजपा वाकई अपने आप को सत्ता में बना रहने में कामयाब हो पाएगी। कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो पिछली बार चुनाव हारे हुए हैं, वीरभद्र सिंह की गैर मौजूदगी में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी 19 तारीख को चुना जाना, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के रहते ये पहला मतदान होगा। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के खाते में पहले चुनाव में जीत या हार में से कुछ दर्ज होगा, ये जानने में सबकी दिलचस्पी होगी। और इन सबके बीच में आम आदमी पार्टी क्या कोई चुनौती के रूप में अपने उपस्थिति दर्ज कर पाएगी, इस पर भी दिलचस्पी है। तो इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा के लिए कई खास मेहमान हमारे पास मौजूद है जिनसे आपका परिचय कराएं और हिमाचल की राजनीति से जुड़े हुए मसले पर कुछ तथ्य पर बातचीत भी करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र संदेश देते हुए, आम आदमी को संदेश देते हुए, आम मतदाता को संदेश देते हुए हमारा विचार सूत्र कहता है कि व्हेन बैड मैन कंबाइन द गुड मस्ट एस्केप एल्स दे विल फॉल वन बाय वन, अर्थात जब बुरे व्यक्ति संगठित हो जाते हैं तब अच्छों को भी मिल जाना चाहिए, अन्यथा वो एक एक करके पराजित हो जाएंगे। एडमंड बर्क ने कितनी कमाल की बात कही थी। तो ये संदेश नेताओं के संदर्भ में भले ही ना समझा जाए पर मतदाता के संदर्भ में संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे लोग आपके चुनकर सदन में जाए तो जिम्मेदारी बनती है कि आप सब एकजुट होकर जो अच्छा है उसके पक्ष में मतदान करें। तो आपको करना है कि अच्छा कौन है, इसे जहन में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर पंकज पंडित जी जुड़ चुके हैं। हिमाचल और देश दोनों की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी भी हमारे साथ। कुछ ही देर में हमारे साथ में जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य भरद्वाज जी भी साथ में होंगे, लेकिन इससे पहले हम अपनी चर्चा की शुरुआत कौल सिंह ठाकुर जी से करते हैं और कौल सिंह ठाकुर जी से समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और वीरभद्र सिंह पर्याय थे हिमाचल की सियासत में, और वीरभद्र सिंह की गैर मौजूदगी में बिखरी बिखरी सी कांग्रेस। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव की घोषणा से पहले ही आपके कई कार्यकारी अध्यक्ष आज भाजपा ही बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को कहां महसूस कर रहे हैं कौल सिंह ठाकुर जी, चुनाव में दमखम के साथ जाएंगे या औपचारिकता पूरी करके वापस घर में आ जाएंगे, ये जानने में सबकी दिलचस्पी है। थोड़ा आपका अपना अनुभव, आपके द्वारा आकी जा रही संभावना है, हमारे दर्शकों से साझा करें। कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में एक है,
और कांग्रेस पार्टी में कई आते हैं और कई चले भी जाते हैं। कांग्रेस पार्टी से अब जो विधायक दो गए हैं वो वास्तविक तौर पे भाजपा से ही कांग्रेस में आए थे और उनको खतरा था कि शायद कांग्रेस में टिकट मिले या ना मिले, वो फिर भाजपा में चले गए। और ऐसी कोई बात नहीं है, भाजपा से भी कई लोग कांग्रेस में आए हैं, इनके पूर्व मंत्री कांग्रेस में आए हैं, इनके पूर्व जिला परिषद के सदस्य कांग्रेस में आए हैं, तो आने जाने का क्रम चला रहता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अपनी पहचान है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी विकास के काम हुए हैं, चाहे राजा वीरभद्र सिंह के टाइम में हुए हैं, चाहे ठाकुर रामलाल के वक्त में हुए हैं, चाहे हिमाचल के निर्माता डॉक्टर परमार के वक्त में हुए हैं, हिमाचल के लोग ये सब कुछ जानते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कामों को अपने नाम पे गिना करके लोगों को गुमराह कर रही है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का मन बना लिया है। और जो रिवाज नहीं बदलेगा लेकिन ताज बदलेगा, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी। ठाकुर साहब, रिवाज के भरोसे हैं या कुछ अपने कामकाज के भी भरोसे हैं? इन 5 साल में कांग्रेस पार्टी सुर्खियों में क्यों रही? आपस में एक दूसरे के नेता के कपड़े उतारने के लिए चर्चा में रही, अपने नेताओं के इस पार्टी से उस पार्टी में कूदने को लेकर चर्चा में रही, अपने नेताओं को अपने ही कार्यकर्ताओं के द्वारा खारिज करने को लेकर चर्चा में रही। कैसे उम्मीद कर रहे हैं आप कि इसके बावजूद भी जनता रिवाज के अनुसार चलेगी और एक बार भाजपा को सत्ता 2017 में दे दी तो 2022 में आपको दे देगी? निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, क्योंकि जयराम सरकार के जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो हिमाचल की जनता के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा है। और इस 5 साल में गरीब लोगों का और मध्यम वर्ग के लोगों का जो है जीना हराम कर दिया है, बेरोजगारी बहुत बड़ी है, इन्होंने लोगों को रोजगार नहीं दिया है। आज हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, और विकास के काम हिमाचल प्रदेश में ठप पड़े हैं। और भ्रष्टाचार जयराम के सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे आप जल शक्ति विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, और जहां तक पेपर लीक, इनके 2-3 मामले में पेपर लीक हुआ है, और पुलिस के मामले में एक ऐसा करोड़ों का घोटाला हुआ है जिसको हिमाचल के नौजवान लोग जानते हैं। और CBI की जांच कांग्रेस ने मांग की थी, चीफ मिनिस्टर ने कहा जयराम जी की हाँ CBI को हमने लिख दिया है, लेकिन वास्तविक तौर पे CBI को नहीं लिखा था। और ये करोड़ों रुपए का घोटाला जो है पुलिस के जो पेपर लीक हुए है उसमें हुआ है, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिलाएंगे। मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, फिर पंकज पंडित जी के पास आऊंगा। ठाकुर साहब, आपने बताया कि जयराम ठाकुर कितने मुद्दों पर अपनी सरकार के संदर्भ में विफल रहे हैं, पर उनके विफल होने से कांग्रेस का वोट क्यों दें? अब तो देश में एक नई पार्टी की बात होने लगी है, नाम उसका आम आदमी पार्टी है। पंजाब जो पड़ोसी राज्य है, क्या कमाल का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया है। आपको डर नहीं लग रहा जो जनता जयराम ठाकुर से नाराज है, जो जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, वो संभव है कि आम आदमी पार्टी के पास चला जाए? इस डर से कैसे निपटेंगे, इस चुनौती को कैसे पार पाएंगे? ऐसा है जी, हिमाचल में जब पंजाब में सरकार बनी थी जी, तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने पैर पसारने शुरू किए जी। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के, कुछ कांग्रेस के लोग जो है आम आदमी पार्टी में चले गए। जिस तरह पंजाब में जो घोटाले हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, और हिमाचल में आकर के हिमाचल विधानसभा में खालिस्तान के झंडे लग रहे हैं, तो अब हिमाचल के लोगों का जो है आम आदमी पार्टी से मोह भंग चुका है। आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ज्यादा राज किया है, और हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। तो कौलसिंह ठाकुर तो सिरे से खारिज कर दे रहे हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन वो खारिज कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भी,
जिसकी पिछले बहुमत की सरकार 5 साल पहले अस्तित्व में आई थी। हमारे साथ उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिस्सा सुरेश भारद्वाज जी, जो केवल वरिष्ठ मंत्री नहीं बल्कि एक विद्वान राजनीतिज्ञ की भी पहचान रखते हैं, जुड़ चुके हैं। जी सुरेश भारद्वाज जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है कि हिमाचल में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव के साथ ही रिवाज को लेकर चर्चा है कि यहाँ पर कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आती, अपने आप में चुनौती है, बाकी पार्टी बाद में, रिवाज पहली चुनौती। ये रिवाज आपको कितना डराता है, कैसे निपटेंगे इस रिवाज से? और एक साल पहले जो चुनाव हुए वो इतिहास भी साथ में है, जनता ने सिरे से भाजपा को नकार दिया। तो सुरेश भारद्वाज जी क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर, जानने में हम सबकी दिलचस्पी है। हाँ बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में 1985 में ये परंपरा प्रारंभ हुई जी। राजा वीरभद्र सिंह जी 1985 में मुख्यमंत्री बने, 1990 में वो हार गए। वो केवल जो है वो प्रदेश की सरकार ही नहीं गंवा बैठे, स्वयं जिस स्थान से वो चुनाव लड़े थे जुब्बल कोटखाई से, वहां से भी वो चुनाव हार गए। दूसरी सीट रोहड़ू में जो उनकी रियासत का हिस्सा था वहां से वो जीते। उसके बाद जो है वो चुनाव जो है वो हमारी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के जो उस वक्त निर्माण के लिए आंदोलन चल रहा था उसके लगते हुए कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उन्होंने भंग कर दी विधानसभाएं। इसलिए वो 1994 में जो चुनाव हुआ उसमें जीत गए। लेकिन उसके बाद 1998 में उन्होंने स्वयं चुनाव करवा दिया। उन्होंने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ी हुई है इसलिए हम जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक साल एडवांस कर दिया चुनाव, और उसमें चुनाव में वो हार गए। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उसके बाद जो है ये रिवायत चलती आ रही है। 2003 में कांग्रेस जो है वो पुनः सत्तासीन हो गई, लेकिन 2007 में फिर चुनाव हुआ तो फिर हार गई। 212 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस आ गई। अब 2017 में जो है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी बन गई। लेकिन जो 2017 तक की जो है वो एक परंपरा चल रही थी, दोनों पक्ष की लीडरशिप जो है वो लगभग आती और जाती रहती थी। लेकिन 2017 में एक इतिहास बदला है जी। हिमाचल प्रदेश में जो उससे पहले की सरकारें चलती आ रही थी वो बदला बदली की सरकारें रहती थी। टोपियों के रंग, ठाकुर कौल सिंह जी हरी टोपी पहनेंगे तो सुरेश भारद्वाज लाल टोपी पहनेगा, इसके आधार पर पहचान होगी। या फिर जो है वो नीचे का हिमाचल ऊपर का हिमाचल, इस प्रकार की जो है वो राजनीति चलती थी। लेकिन 2017 में जो सरकार बनी उसने ये टोपियों की राजनीति, नीचे ऊपर की राजनीति, ये सब जो है वो समाप्त कर दिया, बदला बदली की राजनीति समाप्त कर दिया। पहला जो निर्णय लिया हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने 2017 की 27 दिसंबर को, वो प्रदेश के जो दुर्ग लोग हैं उनकी जो आयु सीमा इन्होंने पेंशन की 80 वर्ष रखी हुई थी उसको घटा करके 70 वर्ष किया और बाद में उसको 60 वर्ष कर दिया। ये एक, और उसके बाद सरकार लगातार चल रही है, कोई बदला बदली का काम नहीं किया किसी को, कोई जो है इस प्रकार से कभी राजनीतिक कारणों से जो है वो एक दूसरे के खिलाफ आप जो है वो केसेस बनाते जाएंगे या चलते जाएंगे, ये सारी रिवायत बदली है और ये एक इतिहास नया बना है। और इसी प्रकार से ये इतिहास 2022 में भी जो है वो नया बनेगा, जो हिमाचल प्रदेश में इससे पूर्व 5 वर्षों की सरकार बनती है फिर बदल जाती है, वो इस बार बदलने वाला है। केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में ही नहीं हुआ है, ये उत्तराखंड जो है इसी की तर्ज का प्रदेश भी है, पहाड़ी प्रदेश है, 70 सीटें हैं उनकी, वहां पर भी ये सोच रहे थे कि भी हमारी जो है इस बार बारी है इसलिए हम बन जाएंगे। हरीश रावत जी तो अपने लंगोटे वगैरह कस के मुख्यमंत्री बन बैठे थे, लेकिन सरकार वहां पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रिपीट हो गई। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ 37 वर्षों से जो है वो कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, कभी वहां मायावती जी आ जाती हैं, कभी मुलायम सिंह जी आ जाते थे, कभी कल्याण सिंह जी आ जाते थे, कभी वहां अखिलेश जी आ जाते थे, वहां पर जब योगी आदित्यनाथ आया इस बार चुनाव हुआ तो वहां पर भी रिवायत बदली, रिवाज बदला और भारतीय जनता पार्टी जीत करके वहां पर भी आई है। हम इस आधार पर और भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में जो काम किए गए हैं, केंद्र में जो काम किए गए हैं, उनके आधार पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार जो है वो
हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा, पुनः भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। अभी दो सवाल है आपसे, सॉरी महाराज जी, इस संदर्भ में एक तो आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी निगाह में जयराम ठाकुर, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल, राजा वीरभद्र सिंह से भी बड़े नेता है, ज्यादा लोकप्रिय है, ज्यादा जनता के बीच में पैठ बनाने में कामयाब रहे हैं, कि जो रिवाज वीरभद्र सिंह नहीं तोड़ पाए, जो रिवाज शांता कुमार नहीं तोड़ पाए, जो रिवाज प्रेम कुमार धूमल के बूते नहीं रहा, उसे जयराम ठाकुर तोड़ देंगे? एक सवाल तो ये, और दूसरा आपसे जानना चाहता हूँ, इतना अच्छा आपने काम किया, बदला बदली का काम नहीं किया, लोगों के भले के लिए काम किया, तो साल भर पहले तो चुनाव हुआ, आपकी 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, पानी मांग गए आप, चारों हार गए, इसके बाद कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, क्या मैनेजमेंट कर ली है एक साल में जिसके आधार पर कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे? मैंने इसका जवाब दे दिया था, लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये 1 लोकसभा 4 विधानसभा के उपचुनाव जीतने पर जो है बहुत इतरा रहे हैं जी। देखिए, जब लोकसभा या विधानसभा के उपचुनाव होते हैं और वो काफी 3-4 सालों बाद होते हैं, कोविड के बाद हुए थे वो, कोविड के दिनों में जो है वो लॉकडाउन इत्यादि की स्थितियां रही थी, बहुत सारे काम जो है वो अधर में लटके हुए थे, इसलिए उस समय जो है वो विभिन्न कारणों, और उसमें भी 2 सीटें तो इन्हीं की थी, एक राजा वीरभद्र सिंह जी के मृत्यु के कारण जो है खाली हुई थी, और दूसरी इनके वरिष्ठ मंत्री सुजान सिंह जी के मृत्यु के कारण खाली हुई थी, 2 तो इन्हीं की सीटें थी, इन्होंने रिटर्न की है, 1 लोकसभा और 1 विधानसभा जो है वो हमने गंवाई उस वक्त। लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि इससे पूर्व चंद्र कुमार जी सांसद बने थे, ज्वाली की सीट खाली हुई थी, 6 महीने तब वीरभद्र सिंह जो को मुख्यमंत्री बने हुए थे, और शायद आदरणीय ठाकुर सिंह कौल सिंह जी भी उस वक्त मंत्री थे, तो इन्होंने ज्वाली की सीट 7 महीने के अंदर अंदर गंवाई थी। उपचुनाव जो है वो एरिया नहीं होता है कि वो जनरल इलेक्शन में भी उसका असर पड़े। आज जो है डबल इंजन की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, केंद्र में वीरभद्र अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश से है, इसलिए एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन हिमाचल में मिलता भी है और रिकॉर्ड टाइम में बनकर के तैयार भी हो जाता है। बल्क डग पार्क जो है वो एक अगर गुजरात में मिलता है तो दूसरा हिमाचल प्रदेश में मिलता है, इसलिए ये सारी ऐसी चीजें हम पॉजिटिवली जो है वो अपने विकास के आधार पर जो है वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में जो है वो हुकूमत संभालेगी। अरे एक सवाल और करना चाहता हूँ, फिर मैं आना चाहता हूँ पंकज पंडित जी के पास में, हालांकि मेरे साथ अश्विनी शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, ये आम आदमी पार्टी आपकी कितनी मददगार है कांग्रेस को रोकने में, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है, ठीक ठाक मदद कर रही है कि नहीं कर रही है, या आम आदमी पार्टी से जितनी आपकी उम्मीदें थी पूरी नहीं कर पा रही? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो इन्होंने काम शुरू किया था, मैं बिल्कुल ठाकुर कौल सिंह जी से सहमत हूं कि जब पंजाब में जो है ये बहुमत में आ गए, वहां पर चन्नी साहब की सरकार को इन्होंने हरा दिया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में पांव पसारने प्रारंभ किए इन्होंने, लेकिन खालिस्तानी बॉर्डर और फिर वहां के मुख्यमंत्री मान साहब की सीट पर उनकी हार हो जाना, मूसेवाला का जो है वो मर्डर हो जाना, और वहां जो आजकल जिस प्रकार से भ्रष्टाचार जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, उसके कारण जो है वो हिमाचल प्रदेश में इनके जो पग बढ़ रहे थे वो थम गए, लेकिन समझौता तो इनका कांग्रेस के साथ है। अच्छा। इन्होंने जो है वो तय किया है कि भी गुजरात और हिमाचल में मिलकर के जो है वो हम दोनों लड़ेंगे। अब ये कहां कहां इनको खड़ा करते हैं, कहां ये लड़ते हैं, कहां नहीं लड़ते हैं, ये तो यही तय करेंगे ना, इस बात को ये तो यही तय करेंगे। तुम बता रहे हैं हमें सुरेश महाराज जी कि कांग्रेस से मित्रता है आपकी, आप बता रही है कि हमारी किसी से मित्रता नहीं है। एक तो मेरे जानने में दूसरे पंकज पंडित जी, बता ही दो आज आप कि एक्चुअल आपकी मित्रता किससे है, भाजपा के साथ है, कांग्रेस के साथ है, एक तो ये जानना है, और दूसरा सिरे से खारिज कर रहे हैं दोनों पार्टी के लोग, कुछ बता नहीं पाए आप अपना हिसाब किताब, यहाँ क्या हो गया ऐसा? और पिछले कुछ समय से सक्रियता भी देख रहे तो आपके सारे नेता गुजरात में दिखाई देते हैं, हिमाचल में वाकई उम्मीदें टूट गई आपकी बनने से पहले, इसलिए अब यहाँ कोई झांक भी नहीं रहा, मान साहब पड़ोस के यहाँ पर आते नहीं, केजरीवाल झांकते नहीं, क्या हो गया पंकज जी? पहला मुद्दा तो हमारा है कि
हमारी मित्रता किससे है। तो मैं साफ कह दूं हमारी मित्रता जनता से है, और हमारा इतिहास है वो चाहे दिल्ली का हो, वो चाहे पंजाब का हो, जहां हम जाते हैं वहां कांग्रेस आती नहीं है और भाजपा दहाई छू नहीं पाती। तो निश्चित तौर पे एक बात पे इन दोनों की सहमति है कि हम मुकाबले में हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टियां डरती ही आम आदमी। मेरे सामने दोनों बहुत ही अनुभवी नेता है, इनके राजनीति का जितना अनुभव है उत्तराखंड उतनी बार तो हमने वोट भी नहीं किया है। लेकिन मेरा सवाल हमेशा एक ही रहता है पूरे आदर के साथ कि 50 साल की राजनीति कांग्रेस भाजपा के खेमे से होती रही है, लेकिन आप एक भी बार रिपीट नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है, आपने जनता से झूठे वादे किए हैं, आप जनता के अपेक्षाओं पे खड़े नहीं उतरे हैं, और आपने हमेशा ही जनता जब एक दल से निराश हुई है तो आपको हमेशा नेगेटिव वोटिंग की वजह से जीत मिली। जनता के पास विकल्प नहीं था, प्रदेश में चाहे छोटा विकल्प मिला हो, वो चाहे हिविका के रूप में हो, लोगों ने हाथों हाथ लिया है, लेकिन पहली बार सबसे मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में सामने आया। और अब की बार हम भी तय मानता हूं, जयराम जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि इस बार रिवाज बदलेगा, लेकिन रिवाज कहां बदलेगा? रिवाज ये बदलेगा कि प्रदेश में रिवाज है एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बार रिवाज बदलेगा, तीसरे दल को मौका मिलेगा आम आदमी पार्टी को। दिख नहीं रहे, पड़ोस के राज्य के मुख्यमंत्री है मान साहब, सारी ताकत गुजरात में लगाए हुए हैं, अरविंद केजरीवाल भूल ही गए हिमाचल कहाँ है, सब कुछ गुजरात गुजरात गुजरात। आप लोग कुछ कर नहीं पाएगा यहाँ, जिसके चलते आपके नेताओं ने इधर ध्यान देना ही बंद कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगा जानकारी के लिए कि कांग्रेस का भी एक प्रोग्राम हुआ है सोनिया गांधी का, भाजपा के नरेंद्र मोदी जी के 4 कार्यक्रम हुए हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी के 4 प्रोग्राम हो चुके हैं, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया जी के 9 कार्यक्रम हो चुके हैं, और इन दलों ने गारंटियां अपनी एक फोटो सेशन के माध्यम से दी है कि ये हम घोषणा करते हैं, हमने अलग अलग गारंटी हमारे बड़े नेताओं ने आकर प्रदेश में दी है, और ये जो बीच का जो हमारा कार्यक्रम है इसमें अब हम डोर टू डोर गारंटी दे रहे हैं, 12 लाख घरों में से इस समय हम 6.5 लाख घरों तक अपनी गारंटी पहुंचा चुके हैं। और है ये पंजाब को लेके जितनी भी बात करते हैं, लेकिन अभी मुझसे भरदो साहब ने जिक्र किया उत्तराखंड का, ये उत्तराखंड भी आप बड़ी दमदारी के साथ पहुंचे थे, पर बाद में पता चला कि आपको तो पानी मांगने लायक भी नहीं छोड़ा जनता ने। ये हिमाचल को लेकर वैसे ही डर तो नहीं, क्योंकि सौरभ जी सॉरी भरदो जी तो कह रहे हैं जो उत्तराखंड में हुआ वही हिमाचल में होना है, हमारा स्वभाव एक है, तौर तरीका एक है, संख्या एक है, डर नहीं लग रहा आपको? मुझे हमें क्या डर है, हम तो हमेशा ही हर जगह ही नए हैं, हम तो देश की राजनीति में नए हैं, 10 साल में सबसे तेज बढ़ने वाली पार्टी है और 2 प्रदेशों में आई है, हम 80% बहुमत लेकर आए हैं, हमें काय का डर है? जब जनता आपके साथ है हमें डरने की बात नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा उत्तराखंड, देखिए आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, हमारी क्षमताओं के हिसाब से हमने पंजाब में अपनी ताकत झोंकी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट बोल दूं, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से लोगों का रुझान मिला है, जिस तरह से हमारी मेंबरशिप हुई है डोर टू डोर कैंपेन, और आप देखिए 32 साल के युवा को अब प्रभारी की कमान दी गई है, वो आदमी जिसने 23 साल में पंजाब में आम आदमी पार्टी की कमान संभाली थी, फाउंडर प्रेसिडेंट है वो आम आदमी पार्टी के, हरजोत मेहता एजुकेशन मिनिस्टर, और हम कहते हैं हमने 6 महीने में पंजाब में किया वो बता रहे हैं। यहाँ पे अभी आपने बात सुनी, माननीय कौल सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो इस भरोसे है कि यहाँ पे हर बार ऐसा होता है, रिवाज है कि एक बार कांग्रेस भाजपा, माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने एक बार भी दम नहीं भरा कि हमने काम किया आएंगे, यूपी में हमने रिवाज बदला है, हमने उत्तराखंड में रिवाज बदला है, तो दूसरे के सहारे व्यवस्थाएं बदल रहे हैं, और बाकी हमारी मित्रता जनता के साथ है, आप चिंता मत कीजिए। आज तक किसी भी सर्वे ने आम आदमी पार्टी को न बहुमत दिया न कभी टक्कर में दिखाया, पंजाब में त्रिशंकु विधानसभा बना रहे थे सभी, लेकिन निश्चित तौर पे हम कहते हैं कांग्रेस भाजपा एक है, या तो अभी तो बड़ी उम्मीद के साथ में है, कुल मिला के मर्म की बात है, उत्तराखंड ने उन्हें पंजाब मारा है, पर मेरे साथ में
इन दावों के बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी खासतौर पर मौजूद है। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहता हूँ, एक रिवाज के भरोसे है मेरे साथ में पैनल में, दो रिवाज बदलने के भरोसे है, आप किसके भरोसे हैं? आपका भरोसा किसके साथ है, जानने में हम सबकी बड़ी दिलचस्पी है। जनता किस पे भरोसा करने जा रही है ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। थोड़ा बताइए ना, कौन कहाँ खड़ा है अश्विनी शर्मा जी के अनुसार? जी जी हिमांशु जी, इलेक्शन अनाउंस हुए अभी 3 दिन हुए हैं मुझे लगता है। अभी कांग्रेस पार्टी ने एक कुछ हिंट दिए हैं कि हमारे ये कैंडिडेट होंगे या जो सिटिंग एमएलए हैं उनको हम फील्ड कर रहे हैं या कुछ और नेता है। बीजेपी की एक्सरसाइज अभी चल रही है और जनता का मूड आस्ता आस्ता बन रहा है। ये रिवाज बदलने का स्लोगन इस बार पहली बार उभरा है, हमने पहले किसी इलेक्शन में रिवाज बदलने का स्लोगन नहीं देखा। हालांकि धूमल जी भी 2 बार चुनाव लीड कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह जी कर चुके हैं, बट ये नया स्लोगन है और देखते हैं कि किस तरह से जनता इसको रिएक्ट करती है। अभी तक तो पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो लेके आने हैं, कुछ कांग्रेस ने गारंटीज दी है, बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है उस पर वोट होना है। मुझे मुझे लग रहा है कि इसमें अभी कुछ दिन और लगेंगे जब तक के पिक्चर क्लियर होगी, बट ये है कि रिवाज बदल जाएगा, जो रिवाज वही रहेगा ये अभी कुछ दिन के बाद निश्चित होगा, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। जो जनता का मूड है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, प्राइसेस का मुद्दा है, वो बिल्कुल बीजेपी को अफेक्ट करेगा। और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं पहली बार लीड कर रहे हैं, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और उस वजह से बने थे कि धूमल जी इलेक्शन हार गए थे, तो उनकी लीडरशिप पे भी एक क्वेश्चन मार्क है इस समय कि कितने काबिल लीडर हैं। दूसरा, ये इलेक्शन जो हो रहा है इस बार एक नया इलेक्शन है, जबकि जो ट्रेडिशनल राइवल जो प्रतिद्वंदी माने जाते हैं वीरभद्र सिंह जी और धूमल जी इस चुनाव में आमने सामने नहीं है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि धूमल जी चुनाव लड़ना चाहते हैं इस बार, अभी पार्टी ने उस पर कोई फैसला नहीं किया। तो मुझे लगता है कि चुनाव बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट होएगा। कांग्रेस ने जिस तरह से प्रियंका गांधी जी को आगे लाया है, मोदी जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है, और उसी तर्ज पे कांग्रेस ने ये कहा कि मिसेस गांधी का भी रोल है यहाँ, उनका एक रुतबा रहा हुआ, उनका कनेक्ट है। प्रियंका जी कह रही है कि मेरा घर है यहाँ पे, मैं भी हिमाचल की बेटी हूँ। तो काफी सारी ऐसी चीजें सामने आ रही, मुझे लगता है कि अभी जनता का मूड बनेगा। इस समय हिमांशु जी ये गलत होगा कि एकदम हम उस पे कंक्लूजन पे चले कि नहीं, कंक्लूजन पे नहीं जाना है, मुझे जानना ये है कि क्या कांग्रेस वाकई मुकाबला करने की मानसिकता में है। कांग्रेस के संदर्भ में तजुर्बा ये रहता है अश्विनी जी, आपने तो इतने चुनावों को देखा है, कांग्रेस को भाजपा कम हराती है, कांग्रेस को हराने में कांग्रेसियों की बड़ी दिलचस्पी रहती है। पिछले कुछ दिनों में भी कांग्रेसियों ने जिस प्रकार की कूदफांद की है उसको लेकर आपसे जानने में दिलचस्पी है। क्या है ये, डूबते जहाज में चूहों का कूदना है या कुल मिलाकर अच्छा है कुछ लोग निकल गए, दमदारी के साथ चुनाव में रहना है? ये पूरे घटनाक्रम में थोड़ी रोशनी दीजिए ना, क्या हुआ? कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, कैसे निपटेगी कांग्रेस से? देखिए, ये कांग्रेस को बहुत बड़े सेटबैक मिले हैं चुनाव के जाने से पहले। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो 2 MLA गए हैं वो बीजेपी के पहले एमएलए रहे हुए हैं, उस वजह से वो अपनी पार्टी में वापस चले हैं घर वापसी। लेकिन उसके बाद 2 वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस के पार्टी छोड़ के चले गए हैं और कई सारे और ऑफिस बेयरर्स पार्टी छोड़ गए हैं। जो दिल्ली में जो कुछ हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, उसका परिणाम हिमाचल में भी है। और इस समय ये माना जाए कि हिमाचल प्रदेश में एक लीडरशिप की कमी है, एक आइडियोलॉजी जो स्ट्रांग आइडियोलॉजी कांग्रेस की है वो नहीं है। कांग्रेस की हाईकमांड बहुत वीक हो चुकी है, कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं है, किससे बात करें हम? तो उस वजह से कांग्रेस में ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं एक पैनिक रिएक्शन है कि ताकि हम अपना फ्यूचर जो है सिक्योर कर सकें। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक जो मैजिक है पिछली इलेक्शन में काम किया है, ये ऐसा माना जा रहा है कि जो डबल इंजन का स्लोगन है वो इस बार भी काम करेगा, ऐसा बीजेपी का मानना है। तो कांग्रेस वाले भी कहीं ना कहीं थोड़े घबराए हुए हैं कि हमें लीड कौन कर रहा है। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि अभी चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं प्रोजेक्ट कर पा रहे, किसने लीड करना है, किसने लीड करना है। एक सवाल और करना चाहता हूँ, तीसरी ताकत के संदर्भ में
हमारे साथ में पंकज पंडित जी हैं, उनकी दलीलों को आपने सुना है। पंकज पंडित जी जितनी दमदारी से इस कार्यक्रम में बोल रहे हैं, क्या आपकी मौजूदगी उतनी दमदारी से आपको जमीन पे दिखाई दे रही है, या कुल मिलाकर इन कार्यक्रमों तक ही आप रहेगी, बाकी ताकत गुजरात में ही लगाएगी? देखिए मैं ये बता दूं कि आप पार्टी एक नया फिनोमिनन है हिमाचल प्रदेश में। इसके पहले भी थर्ड पार्टी या अल्टरनेट के एक्सपेरिमेंट्स हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं, और सबसे बड़ी एग्जांपल जो है पंडित सुखराम जी की है, जो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उसके पहले 6 महीने पहले उन्होंने एक पार्टी बना के काम शुरू कर दिए थे, और कितनी सीटें आई उनको, 5 सीटें आई थी। अच्छी बात है, आप पार्टी यहाँ पे अपनी ताकत लगा रही है। एक अपोजिशन, स्ट्रांग अपोजिशन की जरूरत रहती है हर डेमोक्रेसी में, बट अभी लगता है कि आप पार्टी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इनका जो कनेक्ट है, जिस तरह से हिमाचल की जो साइकी है उसमें पेनिट्रेशन करने की अभी जरूरत है। अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी है हिमाचल प्रदेश में, इनका अपना वोट बैंक है। अगर कांग्रेस पार्टी हारती भी है या बीजेपी हारती है, तो इनका एक मार्जिन रहता है कि इतने परसेंट हमारे वोट हैं। आप पार्टी को अभी अपने कैडर्स जो हैं वो मजबूत करने हैं। मुझे लगता है कि अभी कुछ समय लगेगा, उसके बाद हो सकता है कि दोनों का मौजूदगी है, पर वो मौजूदगी निर्णायक नहीं है। अभी अश्विनी शर्मा जी इस आकलन के साथ है, लेकिन मैं वापस कौल सिंह ठाकुर जी आपके पास आ रहा हूँ और उस संकट पे बात करना चाहता हूँ जिसके और अश्विनी शर्मा जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, संकेत नहीं दिया, स्पष्ट तौर पर कहा, लीडरशिप क्राइसिस, नेता कौन? सुरेश भारद्वाज जी यहाँ बैठे हैं, अपने नेता के विषय में बता रहे हैं। और भाजपा के पास तो नेता के तौर पर एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, एक तरफ जेपी नड्डा हैं, और उसके साथ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। आपके यहाँ तो हर नेता अपने आप को मुख्यमंत्री बताए घूम रहा है, क्या कहते हैं कौल सिंह ठाकुर साहब? हर व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो विधायक बनने के लिए वोट किसको मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है। ये ठीक है कि श्री जयराम ठाकुर जी ये कहते हैं कि कांग्रेस के हर जिले में नेता है। हम मानते हैं कि कांग्रेस के हर जिले में सक्षम नेता है, कॉम्पिटेंट नेता है, अनुभवी नेता है, और भारतीय जनता पार्टी के पास अनुभवी नेताओं की कमी है। अगर जयराम के मंत्रिमंडल को आप देखेंगे तो जयराम टोटल 102 साल सिर्फ मंत्री रहा है, उनका कोई अनुभव नहीं है। अनुभवहीनता के कारण ही उनका प्रशासन पर कोई जो है कंट्रोल नहीं है। अफसरशाही पूरी तरह उन पर हावी है, अफसरशाही पर कोई कंट्रोल नहीं है। 12 बजे फैसला करते हैं, 2 बजे बदल देते हैं, 4 बजे फिर यू टर्न कर देते हैं। इसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन द चीफ मिनिस्टरशिप। तो इसलिए जयराम जी मंडी में जहां भी जाते हैं, ठाकुर कौल सिंह ऐसा कहता है, कांग्रेस के पास कितने लीडर हैं। हमें इस बात का गौरव है कि कांग्रेस के पास हर जिले में अनुभवी नेता हैं, कोई 5 बार जीते हैं, कोई 6 बार जीते हैं, कोई 7 बार जीते हैं, और मैं 8 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी है। श्री धूमल थे, एक्सपीरियंस नेते थे, अनुभवी नेता था, उनका प्रशासन पर पूरा कंट्रोल था और अधिकारी डरते भी थे, लेकिन दैट इज लैकिंग इन जयराम गवर्नमेंट। रॉय नहीं है, देखो उन्होंने 2-3 आदमी को सुप्रसीड करके ब्यूरोक्रेसी में चीफ सेक्रेटरी बनाया तो उनको चैलेंज कर दिया, ये गलत बनाया, जूनियर बना दिया, अनुभव की कमी थी उसको बना दिया। तो अनुभव की कमी तो मुख्यमंत्री में खूब थी, तो चीफ सेक्रेटरी अगर उन्हें बनाया तो उसमें आरोप लगाने की कोई बात नहीं है। जहां तक जीतने की बात है, आप जानते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने 3 बाई इलेक्शन जो है विधानसभा के जीते हैं और 1 लोकसभा का जीता है। लोकसभा में पिछली बार श्री रामस्वरूप शर्मा जी 415,000 वोटों से जीते थे, तो 415,000 वोटों को हम कम करके 8,000 वोटों से जो है श्रीमती प्रतिभा सिंह जो है यहां से जीती है। तो हमने तो एक ट्रेलर दिखाया बाई इलेक्शन में, अभी पूरी पिक्चर अब निकलेगी।
आज मैं दावे के साथ कह नहीं, पिक्चर के लिए तो हम तैयार हैं, भरद्वाज साहब भी तैयार है, अश्विनी शर्मा जी भी तैयार कर रहे हैं, पर उस पिक्चर का नायक कौन होगा ये तो बताइए। सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे, आशा कुमारी होंगी, मुकेश अग्निहोत्री होंगे, ठाकुर कौल सिंह जी होंगे या कोई और सिंह जी होंगे, थोड़ा बताइए तो सही ना, पिक्चर का नायक कौन होगा, यही तो सवाल है। भरद्वाज जी की बड़ी दिलचस्पी है, कांग्रेस पार्टी में तानाशाही नहीं है, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, जो विधायक चुन करके जाएंगे, हमारा पार्टी हाईकमांड ऑब्जर्वर भेजती है, वो एक एक विधायक से बात करेगी, कांग्रेस हाईकमांड को रिपोर्ट देगी किसके साथ बहुमत है, फिर कांग्रेस हाईकमांड उसका नाम देती है कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही है, आपने देखा कि जो मोदी जी कहेंगे वही चीफ मिनिस्टर बनेगा, उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर जिसको डिक्लेयर किया था वो हार गए, यहाँ हिमाचल में धूमल हार गए, धूमल को तो बनाया नहीं चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर बना दिया, कैबिनेट बना दी, वहां रूपानी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उनके खिलाफ कोई असंतुष्ट विधायक नहीं थे, न ग्रुप उनके खिलाफ था, लेकिन मोदी जी का आदेश वो इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री भी गए, सभी मंत्री गए, नए सिरे से सब बना दिए, तो ये तानाशाही नहीं है और क्या है ये? ये तानाशाही है या अनुशासन है? ये पार्टी के प्रति समर्पण है या सत्ता के प्रति लिपटे रहने की चाहत? क्या आप सराहना नहीं करेंगे कि राजनीति में ऐसी ही त्याग होना चाहिए भावना, ऐसी तपस्या की भावना होनी चाहिए? पार्टी ने कहा कि हट जाओ तो हट गए, पार्टी ने कहा बन जाओ तो बन गए, इस समर्पण की आप जैसा अनुभवी राजनेता आलोचना कर रहा है। मुख्यमंत्री पहले डिक्लेयर कर दिया, पिछली बार राहुल गांधी जी 2017 में मंडी आए जी, 25,000 की जनता को संबोधित किया, और उन्होंने मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया कि अगला मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी होंगे, और मंडी सारी साफ हो गई, एक सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं आई, इसका नुकसान भी होता है, फायदे कम होते हैं नुकसान ज्यादा होता है, और वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी का कहना एक अनुभवहीन नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप, जयराम ठाकुर अनुभवहीन तो है, आत्मविश्वास विहीन भी है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, बार बार निर्णय पलट देते हैं, ऐसे नेता के साथ में मैदान जारी है भाजपा, जनता कहां भरोसा करेगी, और वो बता रहे देख लो अलग, एक साल पहले उपचुनाव में हम इसीलिए जीते क्योंकि एक नेतृत्वहीन व्यक्ति के नेतृत्व में काम चल रहा था, जनता ने निपटा दिया। क्या कहेंगे भरद्वाज जी इस अनुभवहीनता को लेकर? जब पहली बार कोई व्यक्ति नेता बनता है या मुख्यमंत्री बनता है तो अनुभवहीन ही होता है जी। जिन्हें कौल सिंह जी इससे पहले कह रहे थे कि भी हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार जी। जब वो 1952 में पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो वो शायद अभिमन्यु की तरह जो है वो माँ की के पेट से जो है वो सीख करके आए थे, क्या वो भी अनुभवहीन ही थे? इसलिए जब पहली बार मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी बने थे तो वो उससे पहले सांसद रहे थे, वो तो विधायक भी नहीं रहे थे कभी जी। तो इसलिए लेकिन ठाकुर कौल सिंह जी के मुताबिक वो एक बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, उनकी पकड़ थी पूरे प्रशासन के ऊपर। तो आज जो है 5 साल का कार्यकाल ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में चला है, जिसमें हिमाचल प्रदेश ने जो है वो चहुं ओर प्रगति की है, दुनिया में महामारी आई, महामारी की वैक्सीन हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी ने बनवाई, इनके टाइम में तो पल्स पोलियो की जो वैक्सीन थी वो भी 40 साल बाद हिंदुस्तान में पहुंची थी, आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में हुआ, और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जिसने 100% जो है वो वैक्सीन सारे प्रदेश में पहले डोज में भी और दूसरे डोज में भी लगाई। तो ये ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ जो है चट्टान की तरह खड़ा रहा, कहीं एक भी बार कोई डिसीडेंट्स की बात कहीं नहीं सुनी गई, और जितनी योजनाएं आज हिमाचल प्रदेश में है एक भी योजना जो है वो हम ढूंढते रहते हैं कि कांग्रेस के राज में वो बनी होंगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ नारा जरूर देते थे ये अनेक बार कि हम जो है वो हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे,
कभी नारा देते थे हम जो है वो गरीबी हटाएंगे, पेयजल की जो है वो हम धाराएं बहा देंगे, लेकिन कभी इनके राज में नहीं हुआ है। तो इसलिए अनुभवहीन कहना जो है मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा। बाकी जो बातें हैं वो अनुशासन की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में एक नेतृत्व है, ये आज नेतृत्व विहीन है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सोलन में कह रहे थे कि जी नरेंद्र मोदी जी क्यों आ रहे हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी और हमारा भारतीय जनता पार्टी तो एक परिवार है, और इनकी पार्टी जो है एक परिवार की पार्टी है। तो इसलिए सोनिया गांधी जी शिमला में रहती हैं तब भी वो लोगों अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलती हैं, प्रियंका गांधी जी एक रैली के लिए जो है खड़ी हो जाती हैं सोलन में, जनता के साथ कार्यकर्ताओं के साथ उनका कनेक्ट नहीं है। इसीलिए मैंने जैसे बीच में कहा था, मैं आज वीडियो अभी अभी सुन रहा था, हर्षवर्धन चौहान जी हमारे सीनियर MLA हैं, 5 बार MLA रहे, और उनके पिताजी 8 बार MLA या 9 बार MLA रहे थे। वो कहते हैं कि मैं भी 5 बार MLA हूँ, मैं भी मुख्यमंत्री हो सकता हूँ, लिस्ट जो बनी है मुख्यमंत्रियों की उसमें मेरा भी नाम है, ये उन्होंने स्वयं कहा है। तो इसलिए आज जो है वो इनके पास प्रदेश में कोई नेता नहीं है। कांग्रेस में ये सहूलियत है कि तमाम नेता बताते हैं कि मुख्यमंत्री की लिस्ट में मेरा नाम है, ये भाजपा में सहूलियत है क्या? क्या सुरेश भारद्वाज उस लिस्ट में कोई स्थान रखते हैं जिसमें हम माने कि हाँ ये भी मुख्यमंत्री हो सकता है, या आप उस लिस्ट से बाहर है? जी भारद्वाज जी, नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय जो है वो हमारा बोर्ड है जी। इसमें पूरे देश भर का जो है नेतृत्व बैठता है, वो सबसे राय लेने के बाद, प्रदेश के विधायकों से राय लेने के बाद संसदीय दल ही जो हमारा बोर्ड है वही तय करता है। इसलिए इसमें कोई तो आपका अभी ये तय नहीं हुआ है कि अगर सरकार वापस आ जाएगी भाजपा की तो जयराम ठाकुर ही मुख्यमंत्री रहेंगे, जो नए विधायक चुने जाएंगे उनसे राय शुमारी होगी और उस राय शुमारी के आधार पर तय होगा कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, जयराम ठाकुर ही बने रहेंगे, ये तय नहीं हुआ है? जी भरद्वाज जी, थोड़ा कन्फर्म करेंगे इस बात को, आपने जो प्रक्रिया बताई इसलिए मैंने सवाल किया। देखिए ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो भी चुनाव होता है इस तरह से होता है, लेकिन पिछले 5 वर्षों से ठाकुर जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आज चुनाव अभियान को वो संचालन कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में वही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा है और वही हमारे नेता हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हर चीज का वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही करता है। उसके लिए मैं जो है वो योग्य व्यक्ति नहीं हूँ जो इसके बारे में कोई सवाल का जवाब दे सके। हाँ, लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए कर रहा कि सर्वानंद सोनोवाल भी असम में 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, पार्टी जीत भी गई, पर मौका हेमंत बिस्वा शर्मा को मिला, सोनोवाल जी जो है दिल्ली बुला लिए गए। तो जयराम ठाकुर को लेकर ये आशंका तो आप लोगों के मन में नहीं, उनके प्रति इतना आपका प्रेम और सम्मान है इसलिए आपसे पूछ लिया। एक सवाल और करना चाहता हूँ, फिर मैं पंडित जी के पास जाऊंगा। पिछली बार आप चुनाव जीत तो गए पर बहुत बुरी तरीके से जीते भाई, जो आपके मुख्यमंत्री पद के संदर्भ में चेहरे थे प्रेम कुमार धूमल जी, वो एक नहीं दो दो विधानसभा चुनाव से सीट हार गए। आपके जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे सत्ती साहब, वो भी चुनाव हार गए थे। इस बार ऐसी अपमानजनक कोई परिस्थिति ना बने उसके लिए कोई इंतजाम कर रहे हैं? बड़ा खराब लगता है ना, पार्टी जीत गई पर पार्टी के बड़े चेहरे हार गए, तो भरद्वाज जी उसके लिए क्या कर रहे हैं ये जानने में थोड़ी दिलचस्पी, थोड़ा बताइए ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं पर आधारित एक पार्टी है, उसमें निश्चित प्रक्रिया के अनुसार हमारा नेतृत्व जो है तय करता है कि कौन व्यक्ति कहाँ से जीत सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जनता जो है वो इसका निर्णय करती है। अब जनता ने बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, 2/3 बहुमत दिया, 44 सीटें हमने जीती और 2 इंडिपेंडेंट हमारे साथ चले। कुछ व्यक्ति जो है वो हमारे बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन कई बार जो है वो अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधानसभा जो हमारी कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसमें बहुत सारे कारण जो है वो हो जाते हैं, जिसके कारण जो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि भाई राजा वीरभद्र सिंह जी
1985 में 1983 में जो है वो मुख्यमंत्री बने थे, जुब्बल कोटखाई से वो बहुत बड़े मार्जन से 1985 में जीते थे, लेकिन 1990 में हार गए, वहां से रोड़ू जाकर के जीतना पड़ा उनको। तो इसलिए इस तरह की घटनाएं जो है वो इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, ये आपका सूर्य महाराज जी कहना है। अब मैं आखिरी सवाल आपसे इस कार्यक्रम में करना चाहता हूं महाराज जी। जी 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 महाराज जी, एक सवाल आपसे करना चाहता हूं आखिरी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ठाकुर कौल सिंह जी हमसे बात कह रहे थे कि भाई बता दो लोग इस सरकार को वोट क्यों देंगे, काम क्या किया इन्होंने। तो आपसे जानना चाहता हूं कि कोई 3 या 5 काम ऐसे बताएंगा जो आप कह सकते हैं कि ये काम पहले कभी हुए नहीं थे। देखो इसने हिमाचल की दशा और दिशा दोनों बदल दी, यहाँ की जिंदगी को खुशहाल कर दिया। क्योंकि हमें तो ये दिखाई देता है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी नाराज हैं, जो सेब के बागवान में काम करने वाले लोग हैं वो मजदूरी को लेकर बेहद परेशान है, बेरोजगारी को लेकर विषय अभी भी गंभीर बना हुआ है। तो लोगों की शिकायतें तो हैं, पर इनके बीच में आपका दावा है आपने तो कमाल का काम किया है। तो वो 3 या 5 कमाल के काम तो बता दीजिए हम लोगों को, जिसके कारण से लोग कहेंगे फिर भी आपको ही वोट देना है। जी बिल्कुल, देखिए शिकायतें समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती और विकास निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहला कारण तो यह है कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी अनक्वेश्चन्ड लीडर हैं, आज देश के ही नहीं विश्व स्तर के नेता हैं। और हिमाचल प्रदेश जिसको कांग्रेस ने 48,000 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में जो है वो हमको दिया था, ऐसी स्थिति में अगर केंद्रीय सरकार आपके साथ नहीं होती है तो हिमाचल प्रदेश का विकास का काम ठप हो जाता है। इस विकास के काम में आप देख सकते हैं 70 लाख की आबादी वाला हिमाचल प्रदेश, उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसा इंस्टीट्यूट मिलना और फिर रिकॉर्ड टाइम में उसका बनना और जनता को समर्पित होना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक ऐसी जो है वो योजनाएं जो इस प्रदेश में जो है घटित हुई हैं। इससे पूर्व मैंने बताया किस प्रकार से कोरोना काल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सामाजिक सरोकार के जो कार्य हैं, जिसमें मैंने प्रारंभ ही कहा था कि पहला डिसीजन ही हमने सीनियर सिटीजन्स को पेंशन 60 साल के ऊपर के लोगों को जो है वो दी जा रही है, जो हिमाचल प्रदेश में जो है 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को दी जाती है। हिमाचल प्रदेश सारे जो है वो किसान सम्मान निधि सीधी बैंक खाते में जाती है। इनके टाइम इनके जमाने के प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे, मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया पहुंचता है। आज दिल्ली से नरेंद्र मोदी 100 रुपया भेजते हैं तो 100 का 100 जो है वो खाते में व्यक्ति के जमा हो जाता है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन जो है वो हमने दिया है इसमें, तो इसलिए मैं समझता हूँ। और तो भारद्वाज जी बड़े अभिभूत है अपने काम को लेकर, लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो काम गिना रहे हैं वो जयराम ठाकुर के कम और मोदी जी के ज्यादा गिना रहे हैं। तो क्या माने कि इस चुनाव में अगर जनता को वोट देना है तो मोदी जी को देखकर देना है, ये सवाल लोगों के जहन में रहेगा। पर मैं कार्यक्रम के अंतिम बिंदु पर पहुंच रहा हूं और वापस पंकज पंडित जी आपके पास आना चाहता हूं। सब एक राय है इस पैनल में, आप आए हैं पर अभी समय लगेगा, क्या कहते हैं इस बात पर? कितना दुखी हो गए आप हमारे इस कार्यक्रम में पैनलिस्ट की इस राय को लेकर? जी, हमने जब देश में राजनीति में आने का निर्णय लिया था, हमने जब देश की राजनीति में आने का निर्णय लिया था तो सबसे पहले यही सवाल, हमें हर जगह इस सवाल का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम हर बार इस सवाल का जवाब देते हैं और सत्ता में आते हैं। हमारा सवाल बड़े छोटे से रहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, कर्जा 75,000 पार है, एम्स आपने रिकॉर्ड समय में बनाया, लेकिन 13 साल में आप केंद्रीय विश्वविद्यालय को एक नींव पत्थर तक नहीं दे सके, जगह तक चयनित नहीं कर सके, इस पर क्या जवाब देंगे? 4 उपचुनावों में हार के बाद ना जाने क्यों नड्डा जी ने कमान संभाल दी, जयराम जी का कहीं नाम नहीं लिया जा रहा है, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है,
और पहली बार ये जो घमंड में भरी हुई सरकार है, जो कभी किसी को नहीं पूछती थी, आज हिमाचल प्रदेश में अब बात हो रही है कि टिकट जो कार्यकर्ताओं को पूछ कर दिए जाएंगे, उनके मतदान करवाया जा रहा है। तो अब भाजपा जो है अपनी हार को देख के कई चीजें कर रही है, पर हम एक बात कहते हैं, हमारे आने के दो चीजें होंगे, प्रदेश की जनता को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के लिए पूरे देश में पहली बार कोई सरकार भाजपा की बात नहीं, महिलाओं को मुफ्त यात्रा, मुफ्त पानी, कोरोना में नहीं दिया जब जरूरत थी, लेकिन जब हम आए हमारा डर सताया तो इस पर आए। और कांग्रेस जैसी जो माननीय कौल सिंह ठाकुर जी कहते हैं बहुत पुरानी पार्टी है, इन्हें भी हमने घोषणा पत्र से गारंटियों पर पहुंचा दिया और 9 गारंटियां हमारी चोरी हुई है, एक गोबर इनकी खोज है। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या चाहते हैं? और इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? पंकज जी वैसे कमाल का तर्क दे रहे हैं, उनका कहना है हम कितनी सीटें जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये अलग बात है, पर हमारी नीतियों को अपनाने के लिए दोनों स्थापित राजनीतिक दल बाध्य हुए, क्या ये छोटी उपलब्धि है? मुझे लगता है कि इस पर मुझे अश्विनी शर्मा जी की टिप्पणी लेनी चाहिए, लेकिन सुरेश भारद्वाज जी कुछ करना चाह रहे हैं, बस सुरेश जी की बात सुन लेते हैं। जी सुरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन इनके यहाँ पर तो आरोप लग रहे हैं कि पैसा देकर के टिकट दिए जा रहे हैं जी, तो ये तो पैसा लेकर के टिकट दिए जाते हैं। राज्यसभा में लवली यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय वाले जो हैं वो उनको टिकट दिए जाते हैं, किस आधार पर दिया जाता है? कि हिमाचल प्रदेश की छात्रवृत्ति से स्कॉलरशिप स्कैम में वो इन्वॉल्व हैं, इस कारण से जो है वो उन लोगों को टिकट दिए जाते हैं। तो हम तो कार्यकर्ताओं से पूछ करके, क्योंकि हमारी पार्टी तो है ही कार्यकर्ताओं की पार्टी, और सारे देश भर में जो है वो एक परिवार की पार्टी नहीं है, पूरा परिवार पार्टी है, उस आधार पर जो है यहाँ पर टिकट चाहे तो वो कार्यकर्ताओं से पूछ कर दे रहे हैं, तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? पैसे वालों को थोड़ी दे रहे हैं। और जिस घटना को उल्लेख कर रहे हैं वो घटना ये है कि 4 संसदीय क्षेत्र हैं हिमाचल में, उन चारों मुख्यालयों पर 4 हेलीकॉप्टर उतरते हैं, मतपेटी लेकर उतरते हैं, और कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे पूछा गया है कि आप 3-3 नाम बताएं हर विधानसभा के लिए, वो मतदान कराया गया है, इस मतदान के आधार पर फैसला किया जाएगा, ये बात कही जा रही है। पर ये दरअसल केवल एक औपचारिकता है, फैसले पहले हो चुके हैं, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता है जब चुनाव घोषित हो गए तब मतदान करा रहे हैं, और सर्वे पिछले 3-3, 6-6 महीने से चल रहे थे, थोड़ा यकीन करना मुश्किल है। बहरहाल सुरेश जी का दावा है, हमने दावे को सुन लिया, लेकिन मैं अश्विनी जी के पास आखिरी बातचीत के लिए आना चाहता हूँ। अश्विनी जी आपसे जानना चाहता हूँ, पंकज पंडित जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि हमारी जो कमिटमेंट थी, हमारा जो एजेंडा था, उस एजेंडे को अपनाने के लिए दोनों स्थापित राजनीतिक दल बाध्य हुए। इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए, क्या वाकई जनता का सुख, जनता की सुविधाएं, ये इन पार्टियों के एजेंडे में अब ऊपर आ गया, और इसलिए ऊपर आ गया क्योंकि आप पार्टी के कदम यहां पड़ गए? ये बिल्कुल ठीक है कि ये हम पहली बार हिमाचल प्रदेश में सुन रहे हैं कि गारंटीज दी जा रही हैं, और इसकी घोषणा आप पार्टी ने ही पहले करी है, उसके बाद कांग्रेस ने उसको अडॉप्ट किया है, ये फैक्ट है। और भाजपा ने तो अपने मैनिफेस्टो का नाम ही चेंज कर दिया, उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट कहा है पिछली बार भी जब रिलीज किया था, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप पार्टी का प्रेशर दोनों पार्टियों पे है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं है, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप शुरू होना शुरू हुआ है। और जो मैं पहले बात कर रहा था कि एक नया फिनोमिनन है, इसको अभी लोग परखेंगे देखेंगे, अभी मुख्यतः मुकाबला जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच रहेगा, कौन सी पार्टी ज्यादा टिकाऊ है वो लोग देखेंगे। ये तो भारद्वाज जी की बात से मैं एग्री करता हूँ, कहीं ना कहीं हिमाचल की जो साइकी है ये हमेशा रहती है कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में बने, उस पार्टी के दिल्ली में गवर्नमेंट हो तो हिमाचल प्रदेश में ज्यादा फायदा रहता है। हमने पिछली सरकारों में देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार यहाँ थी, उधर बीजेपी की थी, या वाइसा बरसा थी, तो हिमाचल प्रदेश को नुकसान होता है। कुछ हिमाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट जो अभी इलेक्शन के टाइम पे अभी रिसेंटली क्लियर हुए हैं, अगर कोई और पार्टी की सरकार होती है शायद वो इतनी जल्दी क्लियर नहीं होते। बल्क ड्रग पार्क जो अभी सेंक्शन हुआ है, 15 दिन में उसकी रिपोर्ट बन गई, प्रोजेक्ट सेंक्शन हो गया और उसका फाउंडेशन स्टोन भी ले हो गया है। ये हालांकि हम इसको मानते हैं कि इलेक्शन गिमिक है, बट हिमाचल को उसका फायदा जरूर है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस बातचीत के निचोड़ में पहुंचे तो इतना तय है कि हिमाचल में कैटवॉक होने नहीं जा रहा,
कोई राजनीतिक दल सुनिश्चित जीत की ओर नहीं है, एक कड़ा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य दलों के तौर पर मैदान में है। आम आदमी पार्टी लेकिन इन दोनों राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति में आवश्यकता अनुसार बदलाव करने के लिए बाध्य कर रही है, पर देखें रिवाज बना रहेगा या रिवाज बदल जाएगा। लड़ाई अब रिवाज को लेकर है, ये कमाल की बात है। देखें ये रिवाज नतीजे में हमें क्या दिखाएगा। आप सारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हिमाचल को लेकर हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब समय है आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। जब ये चुनाव आए तो चुनाव को लेकर एक कमाल की प्रासंगिक पंक्तियां हमें मिली हैं, जो ये कहती हैं, पंथ पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए आगे है मरते जाना, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्ण का मर्यादा हो सीमाओं की डोर नहीं, सभी दिशाएं मिल जाती हैं उस अनंत दम को पाना, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। ये संदेश नेताओं के संदर्भ में है। जो नेता ये बताते हैं कि वो समाज सेवा के लिए राजनीति में है, उन्हें ये प्राथमिक पंक्ति है याद रखनी चाहिए। जनता का कल्याण मूल्य है, ना कि सत्ता में आना। क्या हमारे नेता इस भावना को ध्यान में रखेंगे, ये जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।